हेलो एवरीवन, आज की क्लास अपन बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन कवर करेंगे और पी ब्लॉक एलिमेंट में अपन देखेंगे ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स के बारे में। उससे पहले अपन बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट है इनके जनरल इंट्रोडक्शन की। तो देखिएगा, यहां अपन बात करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें अपन तो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो आपके आपने पीरियोडिक टेबल में और सारणी में देखा होगा। इस ओर तो आपके होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट, लेफ्ट साइड में रखे गए थे एस ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है। यहां ठीक बीच में रखा गया है डी ब्लॉक एलिमेंट को। यहां रखे गए हैं आपके आवर्त सारणी में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है और दाई ओर रखा गया है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स को और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ में ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। और फिर आवर्त सारणी में जो मुख्य आवर्त सारणी थी उसमें स्थान की कमी थी और उस स्थान की कमी के कारण यहां पर नीचे की ओर एफ ब्लॉक जो आपके एलिमेंट होते हैं उनको इंगित किया गया था, उनको दर्शाया गया था एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और यहां पर आपके होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अपन बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो अपन यह कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में दाईं ओर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया। आगे देखिएगा, अपन बात करते हैं कौन कौन से आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप की जहां बात आती है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको रखा गया है आवर्त सारणी में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। यहां लिख रहा हूं मैं ग्रुप ए 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स, 13 से लेकर 18 तक के जो भी तत्व है उनको आवर्त सारणी में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा गया है। तो देखिएगा, अपन यहां पर बात करते हैं, यहां लिखा मैंने ग्रुप नंबर 13, यहां है आपका ग्रुप नंबर 14, यहां है आपका ग्रुप नंबर 15, यहां है आपका ग्रुप नंबर 16, यहां है आपका ग्रुप नंबर 17 और यहां है आपका ग्रुप नंबर 18। बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की तो यहां पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये टेलियम। ग्रुप 14 की बात करते हैं कार्बन से स्टार्ट होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ग्रुप 15 एलिमेंट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और डिस्मिथ को रखा हुआ। ग्रुप 16 की अपन बात करते हैं तो यहां पर रखा गया था ऑक्सीजन फैमिली को, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ग्रुप 17 के एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें अक्रिय गैसों को रखा गया, इनर्ट गैसों को, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन की बात करते हैं तो यहां जो हीलियम था ये हीलियम है एस ब्लॉक एलिमेंट का। यहां आता है आपका नियोन, यहां आता है आर्गन, यहां आता है क्रिप्टोन, यहां आता है जीनोन और यहां रखा गया है आपके रेडोन एलिमेंट को रखा गया। इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली, ये होती है कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 के सदस्यों को बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली, 16 के एलिमेंट को बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली, 17 को बोला जाता है फ्लोरीन फैमिली और इसी को बोला जाता है हेलोजन परिवार, इनको हेलोजन कहते हैं, इनको बोला जाता है चेल्कोजन। चेल्कोजन का मतलब हो गया ये करते हैं सभी अयस्क का निर्माण करते हैं, इनको अयस्क बनाने के कारण चेल्कोजन कहते हैं। ये आपके सभी होते हैं हेलोजन और इनको बोला जाता है, ये जो ग्रुप 18 होता है इसको आप कह सकते हो जीरो ग्रुप, या इसके अलावा इसको बोला जाता है इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस बोला जाता है और इसी के अलावा इसको यहां पर बोला जाता है नोबल गैस या अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस इसको कहते हैं। इसको बोला जाता है नाइट्रोजन वाली फैमिली को निकोजन्स फैमिली, इसको बोला जाएगा निकोजन्स फैमिली, कार्बन फैमिली है और ये आपका बोरोन। यदि अपन बात करें कौन कौन से पीरियड में इनको रखा गया,
यहां देखो पीरियड की बात करते हैं, इसको रखा गया था पीरियड नंबर दो में, इसको रखा गया पीरियड या आवर्त नंबर तीन में, इसको रखा गया आवर्त नंबर चार में, इसको रखा गया आवर्त नंबर पांच में, और इस वाले एलिमेंट को रखा गया आवर्त नंबर छह में। अपन बात करते हैं ट्रिक के द्वारा इस एलिमेंट्स को कैसे याद करें, तो इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल पर शायद वो दूसरा या तीसरा वीडियो है जिसमें ट्रिक अपन ने वहां पर कर रखी है उन एलिमेंट्स को याद करने की। लेकिन फिर भी आपको एक बार में बता देता हूं, ग्रुप 13 के एलिमेंट जो भी आपके पास में उसको बोलता है बैंगन आलू गाजर इन केला, इसकी ट्रिक ये है। ग्रुप 14 की बात करते हो काशी गए शंकर प्रभु, ट्रिक की बात करते हो नहीं पीते एसी सब विस्की, 16 की बात करते हो ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, फिर कल बाहर आई आंटी, ए नेता और कर्मचारियों जीवित रहो, ये सब एलिमेंट्स आपके हो जाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब देखना 13 और 14 के अपन बात नहीं करेंगे, अपन यहाँ डायरेक्ट ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। 13 और 14 है उसको मैं कवर करवा दूंगा आपको। यहाँ देखिएगा आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन, तो उससे पहले आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जब भी कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो एटॉमिक नंबर की अपन बात करते हैं, यहां इसका हेलियम का जो होता है जो एस ब्लॉक पर रखा गया था इसका एटॉमिक नंबर था 2। यहां नियोन की बात करते हैं, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। आर्गन की बात करते हैं 18 होता है। क्रिप्टॉन की बात करते हैं 36 होता है। जिनोन की बात करते हैं 54 होता है। और रेडोन की बात करते हैं तो 86 होता है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर एक एक संख्या घटाते हुए चलना, इसके आधार पर आपको सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज्ञात हो जाते हैं। ये हो गया आपका 9 फ्लोरीन एड ऑक्सीजन, 7 नाइट्रोजन, 6 कार्बन और बोरॉन 5। ये आपका हो गया 17 क्लोरीन सल्फर, 16 फास्फोरस, 15 सिलिकन, 14 एल्यूमिनियम, 36 ब्रोमीन, 35 सिलेनियम, 34 आर्सेनिक, 33 गैलियम, 32 और ये 31 जर्मेनियम और ये गैलियम। चलो आगे देखिएगा 54 53 52 51 50 और ये हो गया आपका 49। इसकी बात करते हैं 86 85 84 83 82 और ये 81। ये सभी जो एलिमेंट्स है अपन ने देख लिया है, इनके बारे में इनका एटॉमिक नंबर अपन कैसे ज्ञात करते हैं ये अपन ने सीखा है। आगे देखिएगा मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामान्य विन्यास। तो देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात करें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP से लेकर 1 से लेकर 6। देखिएगा NH2 NP 1 से लेकर 6 तक इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां पर बात करें तो जो आपका NS ऑर्बिटल है जिसको आप बोलते हो इनर ऑर्बिटल, ये इनर ऑर्बिटल बाइकंपोज, ये बाइकंपोज इसका कंप्लीटली फिल्ड होता है। और अपन बात करें NP ऑर्बिटल की जिसको आप कहते हो आउटर शेल या आउटर मोस्ट सेल हो गया ये, तो और ये हो गया आउटर सेल जिसको आप कहते हो बाइटम कोस, ये बाइटम कोस होता है इसका वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, इसमें एक से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब यहाँ एस में 2 आएंगे और पी की बात करोगी तो 1 से लेकर 6 तक आएंगे। एन की यदि अपन बात करें तो ये कोस की संख्या को बताते हैं जिसको आप कहते थे मुख्य क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम नंबर, या एन आपको कोस के बारे में बताते। तो ये अपन इसका बेसिक सा व्यू देखा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। और पी ब्लॉक एलिमेंट की यदि अपन बात करें तो यहां पर सबसे पहले में यहां पर अपन कवर करने जा रहे हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को। यहां तक इस चीज को नोट कीजिए, फिर अपन आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चले आगे देख, यहां यदि अपन बात करें तो आपने एक चीज जरूर देखी है कि जो हीलियम जो आपका होता है, इस हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो केवल आपको देखने को मिलता है
1s2 इसका मतलब NH2, क्योंकि ये किसका एलिमेंट हो गया, ये S ग्रुप का एलिमेंट है। बाकी आपके जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी P ब्लॉक के एलिमेंट है। यहां अपन आज बात करेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में। हेडिंग लगाएगा आप एक ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। देखना नाइट्रोजन फैमिली की बात करती है तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स को रखा गया है, सबसे पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और इन सबको इसमें रखा गया है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होता है वो होता है NS2NP। चलिए ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं जिसको आप बोलते हो ग्रुप 15 बोलते हो, इस ग्रुप के जो एलिमेंट है इसमें एनपी में तीन इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, और तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण आप ऐसा देख पा रहे हो कि ये जो होता है हाल फिल्ड ऑर्बिटल्स को दर्शा रहा है, अर्धपूरित विन्यास को दर्शा रहा। बात समझ गई होगी मेरी, यहां पर ये अर्धपूरित विन्यास को दर्शा रहा है। चले आगे। चलिए अब ये पर बात करें इनके बारे में, तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको इन सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इसके बाद में इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा यहां पर लिख रहा हूं मैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को लिख रहा हूं, तो एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां लिख रहा हूं मैं एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आपका लिख लिया सबने। चलिए आगे इसके बाद जब पर बात करेंगे तो इनका एटॉमिक नंबर की बात करने जा रहा हूं। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नाइट्रोजन का आपको पता है सात होता है, साथ में एट एट करोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसकी बात करोगे इसका कितना हो जाएगा आर्सेनिक की, देखो 7 में 8 आपने ऐड किया तो कितना हो गया है 15 हो गया है। चलो आगे देखो, फिर यदि अपन इसकी बात करें तो यहां पर आप क्या बता दोगे, इसका होता है 33, इसका होता है 51 और इसका होता है आपका 80। बात समझ गए, 33 51 और ये होता है आपका 80। अब देखो आपको ट्रिक पता होगी, इसमें अपन ने क्या ऐड किया प्लस 8 ऐड किया, इसमें अपन ने कितने ऐड किए प्लस 18, यहां भी आपने क्या किया प्लस 18 ऐड किया, और यहां यदि अपन बात करें तो आपने कितने ऐड किए हैं, तो इसमें से इतने घटा दो उतने आपने यहां पर क्या किए हैं ऐड किए हैं। तो आपने पता होगा ये ट्रिक जो होती है इस ट्रिक से एलिमेंट्स को बढ़ा जाता है। देखो 8 18, फिर अपने यहां कितने ऐड किए 18 8 18 18 और लास्ट में कितने ऐड किए 32 ऐड किए हैं। मतलब इन एलिमेंट्स में जो होता है पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ही फिल करने होते। बात समझ गए होंगे। चलो अब यदि अपन बात करें इनका नेम क्या होता है, नेम की बात करें तो जनरल जो नेम होता है इनका सामान्य नेम होता है अपन उसको देख लेते हैं। देखो इसको आप कहते हो नाइट्रोजन, ये आपका क्या हो गया फॉस्फोरस हो गया, इसको आप कहते हो आर्सेनिक, इसको बोलते हो एंटीमनी और ये क्या हो गया आपका बिस्मथ। चलिए अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आप जिसको बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो मैंने यहां पर बोला है NS2NP, इसको ऐसे लिखा जा सकता है अकेले ये विन्यास को आधार मानोगे आप हीलियम। अब देखो इन ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हो हीलियम हो गया, इसके बाद में यहां नियोन, यहां आर्गन, यहां क्रिप्टोन और यहां आपका जीनोन।
तो ये तो सब आपके कौन से हो गए, ये हो गए आपके इनर्ट गैस जिसको आप बोलते हो अक्रिय गैस बोलते हो। इसकी बात करोगे हीलियम NH2NP3, इसका मतलब N की बात करूंगा मैं, N मतलब ये कौन से पीरियड में आता है, पीरियड नंबर दो में आता है, पीरियड नंबर दो में आता है तो क्या लिखोगे 2s2 2p3, यहां पर आप लिख दो। देखो कितने हो गए, 2 2 4 3 7 हो जाते हैं ये नाइट्रोजन। अब आपको करना क्या है, यहां पर कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, कोषों की संख्या में वृद्धि करोगे इसको क्या कर दोगे 3s2 3p3। चलो इसकी बात करोगे, यहां पर क्या करोगे, अब देखो आर्गन 18, बात समझ रहे हैं, आर्गन 18 4s2 4p3 आप यहां पर करोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा उससे पहले यहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट भी आ जाती है, इसका मतलब यहां पर डी उपकोष आता है उससे पहले, और वो डी उपकोष होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। यहां क्या लिखोगे आप, आर्गन 3d10 4s2 4p, तो देखना 18 10 28 2 3 कितने हो गए 33 हो गए। अब देखो ये तो हो गया आपका पीरियड नंबर 2 3 और ये यहाँ 4 हो गया, पीरियड नंबर 5 की बात करते हो तो यहाँ आपको पता है F लोक भी आ जाता है, और F लोक की बात करते हो तो F के बाद में आपका आता है यहाँ पर D आता है, बात समझ रहे हो मेरी। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जब sp का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नोट करना चाहोगे, यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइएगा इसका आप क्या लिखोगे, बात समझ गए, लिखिएगा देखिए, आइए लिख लिया, तो देखो इसका क्या लिखोगे 4d10 हो जाएगा क्योंकि उपकोष की संख्या बढ़ रही, तो यहां आप देखोगे तो 4d10 5s2 और 5p, बात समझ गए, किनोन के साथ में इसका लिखोगे बिस्मिथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो देखो यहां पर 4d के अपन बात करते हैं, 4d के अपन जब भी बात करते हैं तो यहां पर इससे ठीक पहले यहां पर आपका आ जाता है उपकोष जिसको आप कहते हो 4f उपकोष, बात समझ गए, 4f की बात करते हो तो 4f आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है, 4d भी आपका यहां पर क्या होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो यहां लिखूंगा मैं 4f14 5d10 और यहां क्या लिख दोगे आप 6f2 और 6p। देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने लिखा था वही अपन यहां पर करते आ रहे हैं, वही आपका यहां पर हो रहा, तो ये आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोट कीजिएगा, फिर अपन थोड़ा सा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। लिख लिया होगा सबने, आगे अब इन एलिमेंट की बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से अपन बात करते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टीज की, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, तो देखना ऊपर से नीचे आते हो हमेशा आप, तो मेटलिक प्रॉपर्टीज में वृद्धि होती है, वृद्धि देखने को मिलेगी। यहां मैं चलता हूं नाइट्रोजन से लेकर फॉस्फोरस और ये यहां पर आपका आ गया आर्सेनिक और एंटीमनी आ गया और लास्ट में क्या आ गया आपका बिस्मिथ आ जाता, तो देखना मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर आते हो एक वर्ग में, तो उस दौरान हमेशा और हमेशा मेटलिक प्रॉपर्टीज जो आपकी होती है जिसको आप बोलते हो अधात्मिक गुण बोलते हो, उन अधात्मिक गुणों में हमेशा और हमेशा क्या होती है वृद्धि होती है। देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो आपकी होती है जिसको आप बोलते हो अधात्मिक गुण, इन अधात्मिक गुणों में हमेशा और हमेशा क्या होती है सॉरी धात्विक गुण बोलोगे धात्विक गुणों में क्या होती है हमेशा और हमेशा वृद्धि होती है। तो देखिएगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बात करूंगा तो ये तो क्या हो गए आपके नॉन मेटल हो गए अधातु हो गए, आर्सेनिक और जो आपका एंटीमनी होता है इसको बोला जाता है सब मेटल, इसका मतलब ये आपका होता है उपधातु,
और यदि अपन विस्मित की बात करते हैं तो विस्मित जो होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसके मेटालिक प्रॉपर्टीज में इंक्रीमेंट होता है, उसमें वृद्धि होती है, तो विस्मित को किसमें रखा गया है, यहाँ पर मेटल्स में रखा गया। बात समझ गई, ये आपकी यहाँ पर क्या हो जाती है, धातु हो जाती। तो इस चीज को आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो इसकी अकरेंस की बात करते हैं अपन। अकरेंस जिसको आप बोलते हो प्राप्ति स्रोत बोलते हो, देखिएगा इसे NaNO3 आपका होता है। अकरेंस की बात करूंगा मैं, प्राप्ति स्रोत NaNO3 को बोला जाएगा यहां पर चिल्ली साल्ट पिट। ध्यान रखना नाम लिखिएगा इसका, चिल्ली साल्ट पिट KNO3, इसको बोलते हो इंडियन साल्ट पिट। इसका एक कॉमन नाम है, ध्यान रखना, कई बार पूछा जा सकता है। चिल्ली साल्ट पिट का नाम लिखिएगा, लिखोगे NaNO3। इंडियन साल्ट पिट की बात करोगे तो इसको क्या लिख दोगे आप, KNO3 लिख देते। बात क्लियर है, आगे यदि अपन बात करें तो N2 जो नाइट्रोजन होता है इसको बोलते हो आप डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, डाई एटोमिक गैस बोलते हो, द्विपरमाणु गैस बोलते हो। वायुमंडल में यदि इसकी मात्रा देखे, इसकी परसेंट देखे, तो ये 78% के रूप में आपको देखने को मिलती है नाइट्रोजन गैस, और द्विपरमाणु गैसों के रूप में ही ये पाई जाती है। आगे देखिए, एक आपने नाम सुना होगा जिसको बोलते फ्लोरोएपेटाइट, जो कैल्शियम का होता है, बना हुआ होता है, उसका सूत्र क्या होता है तुम्हें अपन वो देख लेते। देखिए CA10 PO4 का हॉल 6 और F, कई जगह आपको इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है CA9 PO4 फॉस्फेट का हॉल 6 और CAF। बात समझ गए, ये आपका फॉर्मूला है कैल्शियम के साथ में फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स, इसको आप बोलते हो फ्लोरोएपेटाइट। इसका नाम क्या होता है यहां पर, फ्लोरोएपेटाइट। ये हो गया फ्लोरोएपेटाइट। ये जो होता है ये कैल्शियम का होता है बना हुआ, कैल्शियम का आपको देख पा रहे हो ये। बात क्लियर, चलो आगे अपन बात करते हैं इन एलिमेंट्स के बारे में। ये सभी जो एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है वो केवल डाई एटोमिक गैस के रूप में मिलता है, बाकी अन्य डाई एटोमिक के रूप में नहीं मिलते। ये जनरल बात होगी इन सबके बारे में, जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट होता है इसके बारे में ये जनरल बात अपन ने कर ली। यहां पर आपने एक चीज देखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने आपको करवाया, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा होगा कि NH2NP3 आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा था, आपने नोट भी किया होगा। इस NP3 के कारण, इसका मतलब यहां पर अर्धपुरित विन्यास के कारण, अर्धपुरित विन्यास या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये यहां पर अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं ये अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त कर लेते। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रुप 15 के जो तत्व है वो अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं क्यों, इसका आंसर क्या लिखोगे आप। इसमें NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें NH2 की बात करते हो, ये तो कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड, और आपका NP होता है 3, वो अर्धपुरित होता है, और अर्धपुरित विन्यास के कारण यह है अतिरिक्त स्थायित्व को प्राप्त कर लेता। बात समझ गई होगी मेरी, तो यहां तक इस चीज को आप नोट कीजिए। आगे देखना, अपन बात करते हैं इनके रेडियस के बारे में। चलो लगाइए लेडिन रेडियस, आयनिक रेडियस, या जिसको आप बोलते हो कोवलेंट रेडियस। अगला इफेक्ट देखने जा रहे हैं अपन, कोवलेंट रेडियस। या आयनिक रेडियस, सह संयोजक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, सह संयोजक
त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या के ऊपर बात करते हैं। चलो यदि अपन इनकी बात करें तो आप क्या देखते हो, साइज की बात करते हो, एक ग्रुप में बात करते हो सामान्यतया ऊपर से नीचे की ओर आते हो, हमेशा साइज क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और आपका इस बात देख पा रहे हो, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, आपका विस्मित है। आप जब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ओर आते हो तो आपकी आयनिक रेडियाई है, कोवेलेंट रेडियाई होती है, इसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, इसमें होता है आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता। बात समझ गए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन आप नीचे की ओर आते हो, आर्सेनिक की ओर आते हो और उसके बाद में आते हो विस्मित की ओर आते, उसमें आपको इतनी वृद्धि नहीं देखने को मिलती। आर्सेनिक से जब एंटीमनी और विस्मित की ओर आते हो तो वृद्धि तो होती है, लेकिन वो वृद्धि उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, कम वृद्धि आपको देखने को मिलती। और उस कम वृद्धि का कारण यदि आपसे पूछा जाए, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा कि कुल 15 के एलिमेंट्स में नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ओर आने पर या नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक आने पर या आर्सेनिक तक भी आ सकता है आने पर कोवेलेंट या आयनिक रेडियाई में वृद्धि होती है, लेकिन एंटीमनी विस्मित तक आने पर इसमें वृद्धि कम हो जाती है। तो उसका कारण क्या बताओगे, आपने देखा होगा इस एंटीमनी में और इस विस्मित में आपने नोट किया होगा आर्सेनिक के साथ में कि क्या होने वाला है, यहां पर 4F यानी कि F और D उपकोष यहां पर पाए जाते हैं और इनके कारण इनका आवरण प्रभाव कम हो जाता है, यानी आंतरिक डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण जब आप आर्सेनिक से विस्मित की ओर आते हो तो डी और जो एफ कक्षक होता है इन पर नाभिक का आवरण प्रभाव क्या होता है, दुर्बल होता है, जिसके कारण इनके क्या होने लग जाता है, संकुचन होने लग जाता है और संकुचन के कारण इनकी त्रिज्या में इतनी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको नहीं मिलती है। यहां पर कारण लिख देना आप, आर्सेनिक से विस्मित की ओर जाने पर क्या लिखोगे, डी व एफ उपकोष की उपस्थिति के कारण आवरण प्रभाव क्या होगा, दुर्बल होता है। और जैसे ही आपका आवरण प्रभाव यहां दुर्बल होगा, आवरण प्रभाव के दुर्बल होने के कारण क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है और जिसके कारण इसकी त्रिज्या या इसकी जो रेडियाई होती है उस रेडियाई में आपको क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। इस बात को यहां तक नोट, बात समझ गए। अरे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो, अपन देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनिक एंथैल्पी जिसको आप कहते हो आयनन ऊर्जा। जानते हो आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी विलगित एक मोल गैसीय एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली जो आपकी एनर्जी होती है उसी एनर्जी को आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो या आयनन ऊर्जा कहते। यहां देखिएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा की अपन बात करने जा रहे हैं, तो आपने एक बात नोट की होगी, जब भी आप नाइट्रोजन से जाते हो विस्मित की ओर जाते हो तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, उसमें वृद्धि होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या होता है, NH2 और NP3 आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा होगा, यानी कि NP3 होता है इसमें क्या पाया जाता है, अर्धपुरित विन्यास पाया जाता है और इस अर्धपुरित विन्यास के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, कठिन होता है और उसके कारण ये क्या कर लेते हैं, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी या जिसको आप कहते हो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, उसमें वृद्धि होती है। ये अपन ने बात की है इसके जनरल वेव के बारे में,
अगली क्लास में अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड, यानी ग्रुप 15 से रिलेटेड जो भी आपके एलिमेंट्स है उनके बारे में, बेसिक्स के बारे में अपन और देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।